Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस अगर आपको मॉड करना है तो आप ये थीम ट्राई करके मॉड कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका पूरा फोन का लुक चेंज हो जाएगा। गूगल का फोल्डर में न्यू टैब का आइकन्स देखने को मिलता है। आइकन पैक अच्छा है बट परफेक्ट नहीं है, इसमें आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का भी आइकन्स कलर्स देखने को मिल जाता है, तो एक शेड में नहीं है, आपको डिफरेंट शेड्स में देखने को मिलता है, जो कि आइकन पैक उतना अच्छा नहीं है, बट काम चल जाएगा, चेंज हो जाएगा सभी आइकन्स। बजट भी चेंज हो जाता है, कंट्रोल सेंटर एमआई वेट 12.5 13 14 सभी चेंज हो जाएगा, बट आपका बस बैकग्राउंड चेंज होगा, आपका टॉगल्स इसमें चेंज नहीं होता है, जो कि मतलब चल जाएगा, बट हाँ अच्छा कंट्रोल सेंटर है बट उतना परफेक्ट नहीं है जैसे कि मतलब और भी थीम्स में देखने मिलता है, बट चल जाएगा काम, ट्राई कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन काफ़ी इंटरेस्टिंग, उसके लिए वेट कीजिए। सेटिंग्स में आपको न्यू टैब का यूआई देखने मिलता है, न्यू टैब पर टॉगल्स देखने मिल जाएगा, बैकग्राउंड आपको सेम देखने मिल जाता है वॉलपेपर, तो ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छा लुक देखने मिलेगा। जो ऑलरेडी डार्क मोड पर थीम है, डार्क मोड अप्लाई मतलब ऑन करने के बाद चेंज नहीं होता थीम का कुछ भी, आपको नॉर्मल डार्क बैकग्राउंड देखने मिल जाएगा। अबाउट फोन में चेंजेस देखने मिल जाता है, आपका डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स में भी चेंजेस देखने मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। सभी जगह आपको सिमिलर बैकग्राउंड, सिमिलर लुक, सिमिलर जो यूआई चेंजेस देखने मिलेगा। आपका डिस्प्ले में भी चेंजेस देखने मिलता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा चेंजेस है, तो ट्राई करो यार, रुके क्यों, जाओ डाउनलोड करो, वेट करो उसके लिए। तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में भी चेंजेस देखने मिल जाएगा, देख सकते हो कंप्लीट जो चेंजेस देखने मिला है, और एडिशनल सेटिंग्स पे भी जो नेविगेशन जेस्चर्स चेंज हो गया है, और हाँ अच्छा लुक है, ट्राई कर सकते हो। मेरे को पर्सनल थीम अच्छा लगा, बट सेटिंग्स में 3-4 विजेट्स जो है मतलब 3-4 टॉगल्स मिसिंग है, जो कि नहीं होना चाहिए था, और विजेट काफ़ी सिंपल देखने मिलता होम स्क्रीन में, और डायलर मैसेजेस आप वॉल्यूम स्लाइडर चेंज नहीं होने वाला, रीजन पता ही है। लॉक स्क्रीन में काफ़ी अच्छा लुक देखने मिलता है, इसमें आपको 4 डिफरेंट लॉक स्क्रीन स्टाइल्स देखने मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा विजेट्स काफ़ी अच्छा लुक के साथ देखने मिलता है, और बस स्वाइप करने से सेकंड में पहुंच जाएगा। सेकंड में भी iOS इंस्पायर्ड iOS 16 वाला लुक इसमें थोड़ा बहुत देखने मिल जाएगा, फर्स्ट ओरिजिन OS इंस्पायर्ड था, ये आपको थोड़ा और ज़्यादा iOS वाला लुक देखने मिलता है। इसमें आपको डायनेमिक आइलैंड भी देखने मिलता है, जो कि काम नहीं करता है, मतलब हाँ ब्लिंक होता है, और ये आपको और भी iOS वाला लुक देखने मिल जाता है, जिसमें आपको और एक्स्ट्रा ऐप्स और टॉगल्स का ऑप्शन देखने मिलता है। तो 4 डिफरेंट आपको इसमें लॉक स्क्रीन स्टाइल्स देखने को मिलता है। सेटिंग्स पर टैप करने के बाद आपको वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप चेंज कर सकते हैं, और पसंद आए थीम तो जाओ थीम स्टोर में डाउनलोड करो, सर्च करो डायरेक्टली मैजिक पर्पल, ये थीम मिल जाएगा, सर्च करो मैजिक पर्पल, थीम डाउनलोड करो, बताओ कैसा लगा ये मैजिक पर्पल, और इसका चार्जिंग एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है, तो ट्राई कर सकते हो। मैजिक पर्पल थीम अच्छा है, कुछ डिफरेंट है, नया लुक और नया यूआई के साथ, तो ट्राई करके बताओ कैसा लगा मैजिक पर्पल थीम, और बस नीचे कमेंट करो। वीडियो पसंद आया तो चलो लाइक मारो, लाइक की 110 रखते हैं, जल्दी से कंप्लीट करो, वीडियो को शेयर करो, कुछ पूछना है सजेस्ट करना नीचे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहो, बेल आइकन को टैप कर लो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएगा, वेट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।